आपका फिर स्वागत। मैं दस रहा सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की गल तो ब्रेक तो पहला होगी, डिटेल च होगी, हूँ आप एग्रीकल्चर की गल भी कर लीए। सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, कल अनुराग ठाकर ने जो प्रेस में यह दसिया कि एम एस पी जी है असी हूँ जरा वाधा कर रहे हैं। की है एम एस पी वाधा? कहते जी कणक जी है 110 रुपए जी है वह बधाई जा रही है, कणक का वाधा 110 मतलब के 5.45% वाधा। पहला जरा हूँ 2125 रुपए क्विंटल में कणक जी है खरीदी जाऊगी, पुराना रेट थोड़े याद हो 2015 का सी। इस तरीके मसर की गल की है, मसर 500 रुपए और ये वाधा 9.9% है, मतलब हूँ 6000 में खरीदा जाऊगा, पहला 5500 रुपए का वाधा। सरों के विच भी 400 रुपए का वाधा किया, तकरीबन 8% का वाधा, 5450 रुपए जड़ा है हुण खरीदे जाऊ, पहला 5050 दी इहदी हुंदी सी क्विंटल दी जिहड़ी कीमत। हुण सूरजमुखी च भी वाधा होया, थोड़ा जिहा होया, 209 रुपए का वाधा किया, हुण 5650 रुपए प्रति क्विंटल सूरजमुखी खरीदी जाऊगी। छोलियां दे विच वाधा बहुत निगूना जिहा, 2% वाधा किया, 105 रुपए क्विंटल दे छोले वधे ने। जौं दे विच थोड़ा जिहा वाधा किया, 100 रुपए। तो इस तरीके 6 फसलों पर हले गल हुई है। हुण कमाल देखो, तुसीं एंगल देखो, खबर एक है, खबर के नज़रिए देखो। जिहड़े अनुराग ठाकर साहब साढ़े केंद्रीय मंत्री कहिंदे, नौजवान लीडर है हिमाचल का, कहिंदा देखो 2014 च देखो उहदे नाल 47% वाधा करता सी, उदो 1000 ते 50 रुपए दी हुंदी सी, हुण देखो तुसीं किन्नी वधाती। फिर किसानां नूं मैं सुनिया, वह किसान कहते भाई की बधाया तुसीं, मतलब कणक दा 110 तुसीं सब तो बहुत वध गया, चलो ऐ करो सानू दसो भी इस टाइम च डीजल का भा, खादा का भा, बीज का भा, दवाइया का, यह सारी लागत देख लो फिर दस दो तुसीं। कहिंदे किसान बिल्कुल ठीक कह रहे ने, इन्ना कु वधा के यह दावा कर देना जां इहदी गल्लां करना जिहड़ी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुंदी है उहदे मुताबक हुंदी है। एम एस पी हुण डिकलेयर तां करदे ते चलो 50 हरियाणी तां फिर भी खरीदी जांदी है देश च, जां होर फसलां ते किन्ने ते चक्की जांदी है एम एस पी ते, रौला तां ही है। जिहड़ा किसान अंदोलन सिर्फ कानून वापस कर तक सीमित हो गया, असली मसला जिहड़ा कानूनी गरंटी देण वाला सी उह हले भी खड़ा है। खैर सरकार ने यह दावा किया जी असीं बहुत वधाता, 110 रुपए वध मिलणगे हुण किसानां नूं। अगे वधीए, सरकार दावे करदी सी जदों अचानक ही यह फैसला, अचानक तां की सी, बहुत वधिया भाषण अपने मुताबक तैयारी करके साढ़े गृह मंत्री अमित शाह ने दिता सी, ते यह कहा सी हुण बिल्कुल 19 दी गल है कि स्पैशल स्टेटस बिल्कुल खत्म कश्मीर दा, हुण जम्मू कश्मीर ही खत्म, हुण इह यूटी बन गए दो तीन, ते उत्थे फिर यह दावा किया इस करके किया कि असीं अतवाद का खात्मा कर देना है। अतवाद का खात्मा करन दे दावे भी होए और बाहरों डेलीगेट बुला के यह भी कहा गया कि जी आ देख लो तुसीं डल झील झील ते किवें रौनकां लगियां ने। ते हुण जे ये सारा कुछ ठीक है फिर खतरा कहदा सिमरजीत सिंह मान, एक 82 साल का बजुर्ग लीडर जिहड़ा लोक सभा का मैंबर है, वह नहीं एंटर कर सकता अपने देश दे विच। ये तर्क तो मान साहब का बिल्कुल ठीक है कि मैनू दसो कि जे मैं अपने देश दे विच नहीं जा सकता, तो फिर उन्होंने आपका तर्क है कि एक सिख नहीं जा सकता, सिखा नाल बितकर है। चलो ये क्योंकि वह तो पोलीटिकल बंदे ने, उन्होंने तो उही गल करनी है जिहड़ी उन्होंने पार्टी को ठीक लगती है, पर संविधानिक तौर पर जिहड़ा राइट टू मोबिलिटी है, कितने भी जाने का राइट है, साडा फंडामेंटल राइट है, वह किधर जाता है? तो कहते जी खतरा है, फिर तुसीं एक पासे दावा कर दो, खतरा कहदा जो कंट्रोल कर लिया सारा कुछ। तो मान साहब उत्थे डट गए, मान साहब तीजा दिन अज पए ने उत्थे धरना लाई बैठे ने, और वह कह रहे हैं देखो इस मामले च मैं समझदा
सिमरजीत सिंह मान ने ना सिर्फ ये धरना ला के एक्सपोज किया है गवर्नमेंट नू बल्कि दुनिया नू एक ये गल भी दिखाती कि गल्लां कुछ करिए चेहरा कोई होर है ये कहानी नजर आती है। घट्टो घट इस गल तो यूं नजर आने लग गया जो कुछ ये मान साहब उत्थे बैठ के धरने ते कर रहे ने ते सारी दुनिया च यह सुनेहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गवर्नर है जिहड़ी चुनी हुई सरकार नहीं जिहड़ी उत्थे किसी नाल सिर्फ उहदे नाल ही ठीक है जिहड़ा उहनां नाल ठीक है। गुलाम नवी आजाद नाल ठीक है वह उन्होंने पार्टी बनाती सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी च नहीं आए पर उन्होंने सारिया सहूलत ने ते महबूबा मुफ्ती नूं कोई सहूलत नहीं वह तो कहती मैनू कदे घरों नहीं निकल दिंदे ये भी गल आपां देखी है। सो मान साहब यही करन गए सी कश्मीरियों नाल वह धरने ते बैठ के कर रहे ने। अगली खबर आम आदमी पार्टी लई बड़ी खुशी की खबर है। खुशी की खबर इस करके है कि नवी पार्टी है और पंजाब दे विच जे पंजाबी यूनिवर्सिटी होंगी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी होंगी फिर गल होर सी क्योंकि तो पंजाब दी यूनिवर्सिटियां ने वह यूनिवर्सिटी जिहड़ी जिहदे विच हिमाचल हरियाणा ते नॉर्थ दीआं सारीआं स्टेट दे बच्चे पढ़दे ने पंजाब यूनिवर्सिटी जिहड़ी लाहौर दी पंजाब यूनिवर्सिटी तो इधर आई सी 1948 दे विच उस यूनिवर्सिटी दे विच स्टूडेंट इलैक्शन दी इक वक्खरी अपनी अहमियत होंदी है। कल भी चोण होई उत्थे ते उस चोण दे विच जिहड़ा प्रधान चुनिया गया वो आम आदमी पार्टी जिहड़ी है उहदे जिहड़ा स्टूडेंट्स दा विंग है जिहड़ा CYSS दा मतलब छात्रा युवा संघर्ष कमेटी यानी इत्थों तां इउं लगता है भी नौ जान के इस तरह का रखे है कि जिहड़ा लगे लोगों के कोई भारतीय जनता पार्टी जां RSS का कोई ये विंग है। खैर CYSS के आयुष खटकड़ जिहड़े प्रधान बने ने और बने भी बहुत मार्जन नाल ने यह भी गल है 2712 वोटां पईआं ने प्रधान साहब नूं ते जे उन्हां दे मुकाबले देखिए भारतीय जनता पार्टी जिहड़ा स्टूडेंट विंग है ABVP उहदे हरीश गुज्जर नूं 2052 वोटां पईआं ने जिहड़ा कांग्रेस का विंग है NSUI गुरविंदर सिंह नूं 1582 वोटां पईआं ने जिहड़ा बादल साहब का विंग है सुखबीर सिंह बादल का SOI उहदे माधव शर्मा नूं 1336 वोटां पईआं ने। सो ये उत्थों दी खुश होना मीथियर उत्थे है मीथियर भी गया और भगवंत मान साहब ने केजरीवाल साहब ने सब ने उत्थे मुबारकबाद दिती है तो मीथियर साहब तो जिहड़े साढ़े लीडर ने पंजाब दे मंत्री ने कैबिनेट मंत्री बड़े एक्टिव मंत्री ने बरनाले तो आउंदे ने वह बड़े खुश सी उत्थे ते क्योंकि ये जूत दे लीडर रहे ने हुण तो वह चलो खैर सीनियर मंत्रियों च भी गिने जाण लगे ने। एक गल होर भी उत्थे नज़र आई NSUI दे मीत प्रधान बने ने गुरबाज सिंह बाट 3514 वोटां लैके ते जिहड़े 77 बने ने वह INSO दे ने प्रवेश बिश्नोई जिहड़ी हुण तुसीं देखो भी सारा कुछ रलवा मिलना लेकिन प्रधान नूं आम तौर पर आपां समझदे हां कि सब तो अहम अहुदा हुंदा वह जिहड़ी YSS ते गया आ जिहड़े बाठ दा मैं जिक्र कीता है ये भी तीजी पीढ़ी आ गई हुण बाठां दी पॉलिटिक्स दे विच इन्हां दे दादा जी हुंदे सी मंत्री कैप्टन बलवीर सिंह बाठ ये पिता जो भी जिहड़ा अहुदा मिलिया सी जिहदा बापू मंत्री होवे उन्हां दिनां च तां इहीं अहुदे मिलदे सी एग्रो दे चेयरमैन सी पंजाब एग्रो दे तरलोक सिंह बाठ ते हुण यानी ये मुंडा बन गया जानी बलवीर सिंह बाठ का पोता। खैर ये गल्लां तां साइड स्टोरीज कहने असीं लेकिन एक स्टोरी मान साहब थोड़ा गल थोड़ा मैं ट्वीट देख रहा सी तुसीं कहा नौजवान बदल देंदे ने बिल्कुल सही गल है और मैं तो बहुत बार लंबी लिस्ट दिती है और मैं कहा भी है जिहड़े स्टूडेंट पॉलिटिक्स चों लीडर बने ने चाहे सरदार प्रेम सिंह चंदू माजरा होण चाहे वीर दविंदर सिंह होण भावें जगमीत सिंह बराड होण उन्हां नूं मैं कहा सी भाई पंजाब च भी चोणां हो जाणियां चाहीदियां ने ते मान साहब ते मैनूं आस है कि चोणां करवाउणगे जे वो आप कहिंदे ने
कि नौजवान जड़े ने वह तकदीर बदलते हैं। जे आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिक्स जाना है तो आम आदमी जेड़े आम आदमी का बच्चा जो यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ता है उन्होंने इलेक्शन लड़न का हक क्यों ना हो, ख्याल रखने की लोड़ है। देखते हैं, मेरे हिसाब न इस तरह की गल हो सकती है। बहुत खबर ने, माड़िया खबर ने। हूँ बिटला पिंड है महतपुर के नेड़े जलंधर के कोल सतलुज के किनारे एक बंदे ने अपने ही परिवार को पेट्रोल छिड़क के सुते पे तो पंप न पेट्रोल छिड़किया, अग ला के बहरों कुंडा लाता। पांच बंदे, दो बच्चे ते तीन बालग जड़ा है सहुरे परिवार के मरे ने। पूरी खबर लैने अगले हिस्से दे विच ते नाल आपां जिक्र करना कि कान सिंह पन्नू साहब नू आखिर ग्रिल किया चार पांच घंटे लिए की कहा जड़ा है इरीगेशन घोटाले दे विच, उहदी भी गल करनी है। अज मिलूगा कांग्रेस नू नवा प्रधान शशि थरूर जां मल्लिकार्जुन खड़गे। आम लोग कहिंदे ने मल्लिकार्जुन खड़गे होएगा। फिर खब्बे पक्षियों ने भी अपना जड़ा कल विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश च उत्थे कीता सी कांग्रेस अपनी 24वीं पार्टी कांग्रेस सी, उहदे च डी राजा नू मुड़ जड़ा है जनरल सकत्तर उत्थे जनरल जिवें इत्थे प्रधान हुंदा है ते इस सीपीआई दे विच जनरल सकत्तर चुन लिया। ये भी पूरी खबर लैंदे आ ते नाल एक दो नैशनल खबर होर लवांगे। जिहड़ी बिलकिस बानू वाले केस च सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा जड़ा सवाल खड़ा किया, कहते जो थोड़ा एफीडेट पै गुजरात सरकार नूं कहे च फैक्ट तो है नहीं, वह गैब ने, वह भी गल करांगे। केदारनाथ के हैलीकाप्टर जो वैसे तो प्राइवेट हैलीकाप्टर से पर गए सी श्रद्धालु, जिस तरह मौसम खराब होना क्रैश हो हैलीकाप्टर 6 बंदे गए ने, तो वह भी गल करनी है। तो जिहड़े NIA के छापे पए ने कल तकरीबन 50 थावां ते छापे पए ने, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਦੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਕੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਥੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਥੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।